अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, ओप्पो रेनो 7 सीरीज जिसका वेट कर रहे होंगे कि 7 सीरीज कब हम मिलेगी, कैसे डिज़ाइन के साथ, वेट खत्म हो चुका है। रेनो 7 सीरीज चाइनीज़ मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है, जैसे तो यहां पर काफ़ी तगड़ी लुक देखने के लिए मिल जाती है। ओप्पो रेनो 7 सीरीज़ के कौन कौन से फ़ोन है चाइनीज़ मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम फुली गाइड करेंगे आपके साथ, एंड लॉन्चिंग डेट वगैरह एंड यहाँ पर स्पेसिफिकेशन प्राइस वगैरह फुली हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। सो गाइस, यहां पे इस मार्केट के अंदर 3 फोन्स लॉन्च हुए हैं, ओप्पो के ओप्पो रेनो 7 SE एंड ओप्पो रेनो 7 प्रो। जैसे तो जो दो फोन्स हैं ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो, यहां पर हमें फ्लैट डिजाइन देखने के लिए मिलेगा फोन्स का, बट अगर हम SE की बात करें तो जो रेनो 6 है उस जैसा कुछ डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन वगैरह भी हमें काफी तगड़ी देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर ओप्पो रेनो 7 SE के अंदर हमें MediaTek Dimensity 920 वाला प्रोसेसर मिलेगा, 5G प्रोसेसर है, बट अगर हम 7 की बात करें यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 778 वाला प्रोसेसर मिलेगा, ये भी 5G है, बट अगर हम Pro की बात करें तो यहाँ पर Dimensity 1200 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, ये भी 5G प्रोसेसर है। बेसिकली कैमरा डिजाइन चेंज हो चुका है, वो ओल्ड डिजाइन है उसको खत्म कर दिया गया ओप्पो ने अब न्यू डिजाइन है जो कि हमें कुछ Redmi जैसा देखने के लिए मिल जाता है। एक नया डिजाइन निकाला है जो काफी तगड़ा होने वाला है ये भी, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर अगर उस जैसा डिजाइन होता ना जो ओल्ड रेनो 6 था तो काफी तगड़ा रह जाना, यहाँ पर फ्लैट डिजाइन के साथ काफी अच्छी लुक देखने मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट कैमरा स्पेसिफिकेशन काफी तगड़ी देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर काफी तगड़े फीचर ऐड किए गए हैं जो कि हमें रेनो 6 में नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस बार न्यू ऐड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें रेनो 7 SE के अंदर जो कैमरा देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का वाइड एंड 8 का अल्ट्रा वाइड एंड 2 का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, 32 की सेल्फी दी गई है जो साइड पंचोल के साथ आएगी, लेकिन IMX709 वाला सेंसर यूज किया गया है सेल्फी के अंदर। जैसे तो बेसिकली अगर हम 7 की बात करें यहाँ पर हमें 50 मेगापिक्सल का मेन देखने के लिए मिलेगा एंड 8 का अल्ट्रा वाइड एंड 2 का डेप्थ सेंसर एंड 32 की सेल्फी देखने को मिल जाती है, वो भी हमें 709 वाला सेंसर के साथ ही मिलेगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रो की, यहाँ पर भी हमें 64 का मेन मिलेगा एंड यहाँ पर 8 का अल्ट्रा वाइड 2 का डेप्थ सेंसर एंड 32 की सेल्फी मिलेगी, साइड पंचोल के साथ आएगी। तो तीनों फोन्स के अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाते हैं, एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही मिलेंगे फोन्स एंड यहाँ पर हमें बैटरी मिलेगी। वो दो फोन्स हैं ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो 4500 एंड 4300 SE के अंदर मिलेगी एंड 65 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ फोन देखने के मिल जाते हैं। बेसिकली अगर हम प्राइस वाइज बात करें तो जो SE की प्राइस है ये 60K के अराउंड अबाउट मिलेगा एंड अगर हम 7 की बात करें तो ये 75K एंड अगर हम प्रो की बात करें तो 1,10,000 की रेंज में मिलेगा। बट बेसिकली ये वाली सीरीज अब पाकिस्तान के अंदर तो बेसिकली यही प्राइस बताई जा रही है, कोई चाइनीज प्राइस है जो हमने कन्वर्ट की है पाकिस्तानी प्राइस के अंदर तो ये बनती है, तो काफी इसी प्राइस में आते हैं जो भी फोन हम पहले गाइड कर चुके हैं। अगर हम रेनो 6 की बात करें तो हम लॉन्चिंग डेट वगैरह की बात करें तो चाइनीज मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है, आज ही ये वाली सीरीज लॉन्च हुई है चाइनीज मार्केट के अंदर, के यही प्राइस है यही स्पेसिफिकेशन मिली हम। बेसिकली आप पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये दिसंबर के मिड में या फिर लास्ट में रेनो 7 सीरीज आ सकती है पाकिस्तान के अंदर, काफी तगड़ी सीरीज होने वाली है जहाँ पर यहाँ दो फोन मिलेंगे बॉक्सी टाइप डिजाइन के साथ, जिसका फेट कर रहे थे फ्लैट डिजाइन के साथ हमें कोई फोन मिले तो ओप्पो का ये दो फोन होंगे जो मिलेंगे हमें ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो। तो सो गाइस, तो ये थी वो आज की हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।